नमस्कार, बुंदेली टाइम्स में स्वागत है आपका। लोकुश नगर शासकीय महाविद्यालय में पिछले दो दिनों से छात्रों के द्वारा किया जा रहा प्रदर्शन फिलहाल एसडीएम और ब्लॉक अध्यक्ष के आश्वासन पर समाप्त हुआ है। आप लंबे अरसे से महाविद्यालय के छात्र एवं छात्रा बुनियादी सुविधाओं को लेकर तमाम तरह के ज्ञापन, प्रदर्शन और यहां तक कि उच्च शिक्षा मंत्री तक मिल चुके प्रतिनिधिमंडल के बावजूद हालात जस के तस्ते और मजबूरन महाविद्यालय के छात्रों को एक बार फिर प्रदर्शन कर हड़ताल में बैठना पड़ा था। और अब एसडीएम लौकुश नगर और कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारी छात्र माने हैं। बच्चों ने क्या है कि कुछ मांगे रखी हैं अपनी, इनकी विशेष रूप से जो मुख्य मांग है इनकी वो बीएससी और एमए रेगुलर की मांग रखी गई है। और इस संबंध में मैंने अपने क्षेत्र की विधायक माननीय नाती राजा से बच्चों की बात करवा दी है। उनने आश्वासन दिया है कि मैं कोशिश करूंगा कि जुलाई तक ये चालू हो जाए। किन किन मांगों में प्रमुख रूप से रहेंगी भाई? इनकी प्रमुख मांगें तो ये हैं कि बीएससी अपना रेगुलर हो जाए, एमए रेगुलर हो जाए और एमएससी जनभागीदारी से चालू करवाई जाए। छात्र पूर्व में भी प्रमुख मांगों को लेकर के उच्च शिक्षा मंत्री तक ज्ञापन आवेदन दिए, इसके बावजूद भी अनशन पर बैठने को आखिर क्यों मजबूर हो गए? नहीं, इस पर कार्रवाई जो शासकीय जो प्रक्रिया होती वो चलती रही। माननीय विधायक जी ने इसको इस मुद्दे को माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी रखा है, माननीय मंत्री महोदय के यहाँ भी रखा है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जुलाई तक ये काम मांग पूरी हो जाएंगे। छात्रों को लेकर पिछले 6 माह से छात्रों द्वारा ध्यानाकर्षण कराया जाता रहा है और उसमें इसी क्रम में आज पुनः इन्होंने 2 दिवसीय अपना धरना रखा था, जिसमें आज आके हम लोगों ने इसे समाप्त कराया है। इसमें ये मुद्दे पर सहमति बनी है कि जो शासन स्तर के विषय हैं, उच्च शिक्षा आयोग के यहाँ जो फाइलें लंबित हैं, जिसमें स्नातकोत्तर की कक्षाएं चालू कराना और विज्ञान संकाय में ग्रेजुएशन बीएससी की कक्षाएं चालू कराना, जो अभी जनभागीदारी से हैं, जिनमें जो दरें हैं बच्चों को वो ज़्यादा देनी पड़ रही हैं, यदि ये शासन से संचालित होने लगे तो निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा और सीटें भी बढ़ेंगी, जिससे ज़्यादा बच्चे लाभान्वित होंगे। तो इसको लेके ये सहमति बनी है और बल्कि ये फाइल शासन स्तर पर लगभग अंतिम स्तर पर हैं। जैसा कि माननीय विधायक जी से भी चर्चा हुई थी आज मेरी दूरभाष पर, उन्होंने मुझे बताया कि ये सारी फाइलें उच्च स्तर पर लगभग अंतिम स्तर पर हैं, अंतिम स्टेज पर हैं, जिनका निवारण शीघ्र ही हो जाएगा और नए सत्र से ऐसी पूरी उम्मीद है कि इनकी ये बड़ी जो कक्षाएं एमए की कक्षाएं और बीएससी की कक्षाओं को लगाने के लिए जो इनकी मांग है वो निश्चित रूप से पूरी होगी। कुछ इनकी बुनियादी समस्याएं हैं, जैसे रंग रोगन का है, लैब को लेके है, सिटिंग अरेंजमेंट को लेके है, प्रसाधन को लेके है, वो सब यहाँ सब डिवीज़न लेवल की, नगर पालिका स्तर की या प्राचार्य स्तर की, जो हम लोग स्थानीय अधिकारी होते हैं उनके स्तर की समस्याएं हैं, जिन्हें हम जो है कल से इन पर बराबर इन पर कार्रवाई शुरू करा के इनका समाधान करेंगे। और छात्र जो हैं हमारे, इन्होंने हमारी बात को समझा है, सुना है और सहमत भी हुए हैं और ये निश्चित रूप से मानते हैं कि समाधान की ओर हैं हम लोग, तो आज इनका धरना समाप्त करा दिया गया है।